गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर यह साइंटिफिक चैनल है यह साइंटिफिक डिलिबरेशन है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें आज हम अल्सरेटोकोलाइटिस की डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे आप जानते हैं कि अल्सरेटोकोलाइटिस बड़ी आंत की बीमारी है आप जानते हैं कि अल्सरेटोकोलाइटिस बहुत कॉमन बीमारी है आप जानते हैं कि उस तरह की बीमारी है जो लाइफ लॉन्ग चल सकती है अगर ऐसी कोई बीमारी जो जिंदगी भर चल सकती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जो डायग्नोसिस है इट शुड बी फुल प्रूफ और यह बिल्कुल ऐसी होना चाहिए कि जिस पर क्वेश्चन ना उठाया जा सके जहां तक डायग्नोसिस का सवाल है अल्सरेटोकोलाइटिस की तो यह बात बिल्कुल सही है जो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं जो एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी जो की जाती है उसके साथ में जो बायोप्सी की जाती है तो कोलोनोस्कोपी विथ बायोप्सी जो के जो डायग्नोसिस है वो वास्तव में उसको फाइनल कर देती है इट इज सपोज टू बी द गोल्ड स्टैंडर्ड फिर से एक बार समझिए कि अगर है है उसकी डायग्नोसिस हमें फाइनल करनी है, तो कोलोनोस्कोपी चाहिए और उसकी बायोप्सी चाहिए और उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे तो डायग्नोसिस फाइनल हो जाएगी नाउ कभी ऐसा होता है कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं या कि कभी कोई कंफ्यूजन होता है कि कहीं क्रॉन्स डिजीज तो नहीं है तो हमें कभी दूसरे टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है जरा एक नजर हम उन सभी टेस्ट पर डालेंगे जो अल्सरेडोकोलाइटिस में हम यूज करते हैं जो ब्लड टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं और क्यों कंड करते हैं उनको देखिए हम सबसे पहले आपका हो गया है। हम CBC भी करते हैं साथ में सीआरपी करते हैं प्रोटोन करते हैं इस चीज को देखने के लिए के कहीं ऐसा तो नहीं है, है। यह जो इंफेक्शन के साथ हो सकता है यह अलग हो सकता है है यह इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि अल्सरेटिव कोलाइटिस की शक्ल में दूसरी कोई कोलाइटिस हो जैसे पायोजेनिक कोलाइटिस हो तो ये बिल्कुल अलग ही हो सकती है तो उसके लिए हमें सीबीसी चाहिए

अभी हमें स्टूल एग्जामिनेशन कराना पड़ता है स्टूल एग्जामिनेशन अलग अलग चीजों के लिए कराना पड़ता है उसको ध्यान से देखें हम स्टूल एग्जामिनेशन या लेटरिन की आपकी जांच कराते हैं पर ब्लड हम आपका जो स्टूल है उसमें कराते हैं फीकल इस चीज को देखने के लिए कि ये इटियोलॉजी तो नहीं है और कभी कभी कुछ इंफेक्शन होते हैं जैसे फंगल होते हैं अमीबिक इंफेक्शन होते हैं कुछ पैरासिटिक इंफेक्शन होते हैं बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन होते हैं इनके लिए भी कभी हमें आपके स्टूल के एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है तो ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है एंड स्टूल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हमको एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन चाहिए जब हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर की बात करते हैं तो सबसे इजी

को साफ कराना पड़ता है पहले जो कोलोनोस्कोप होता है उसकी लंबाई होती है करीब करीब 130 सेंटीमीटर यानी एक मीटर 30 सेंटीमीटर लेकिन यह बात सही है कि यह भी आउटडोर प्रोसीजर है

कहते हैं उसे भी हम एग्जामिन करते हैं वैसे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी उसको कंफर्म करने के लिए कोरोनोस्कोपी एंड सिग्मोस्कोपी दीज आर द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिससे इसको कंफर्म किया जा सकता है इन किया जाता ही है लेकिन कभी कभी हमें एक्सरे कराने की जरूरत पड़ती है मान लीजिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है इन उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए लाइक परफोरेशन टॉक्सिक मेगाकुलर सिम्टम्स हो गए हैं तो हमें एक्सरे की तो तो से कराना है, तो लुक के कहीं तो नहीं है ऐसे ही बनाने के बाद ट्रीटमेंट चालू करने के पहले हम चाहते हैं कि आपका चेस्ट एक्सरे कराया जाए कभी ऐसा होता है कि आपके चेस्ट में कोई हिडन इंफेक्शन पड़े होते हैं हमारे देश में पर्टिकुलरली टीबी जैसा इंफेक्शन जैसे आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कि अगर आपके चेस्ट में कोई टीबी जैसा इंफेक्शन पड़ा हुआ है साथ में आपको अल्सरिटो कोलाइटिस है तो अल्सरिटो कोलाइटिस के लिए अगर मैं स्टेरॉइड आपको दूंगा तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगर टीबी पड़ी हुई है तो फ्लेयर अप हो जाएगी या वो ज्यादा फैल जाएगी तो इसलिए स्टेरॉइड चालू करने के पहले आपका चेस्ट एक्सरे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे तो डायग्नोसिस कोलोनोस्कोपी सिग्माइडोस्कोपी से बन जाती है बट कभी कभी किन्हीं पेशेंट्स में सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है सीटी स्कैन अल्सरेटिव कोलाइटिस में बाई इन लार्ज तीन सिचुएशंस में जरूरत पड़ती है। अगर कोई like तो कॉम्प्लिकेशन तो आपको सिटी स्कैन कराने की जरूरत है और कुछ ऐसा है या हुआ है कि बड़ी आंत में कुछ कैंसर जैसी चीज डेवलप हो गई है तो वास्तव में सिटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है तो सिटी स्कैन यूजली हमें जरूरत पड़ती है जो कोलाइटिस है उसके कॉम्प्लिकेशंस को पहचानने के लिए कभी कभार हमें सीटी एंट्रोग्राफी या एमआरआई की भी जरूरत पड़ती है जो एमआरआई है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि रेडिएशन फ्री है ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें यह देखना है कि कहीं बड़ी आंत के अलावा छोटी आंत में भी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है तो वास्तव में जो सीटी एंट्रोग्राफी है एंड एम आर जो एंट्रोग्राफी है, ये जो है ये हमें बहुत देते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जहां तक अल्सरेटोकोलाइटिस की डायग्नोसिस का सवाल है जो अल्सरेटोकोलाइटिस की डायग्नोसिस है वो दो चीजों पर रेस्ट करेगी नंबर वन देर आर सर्ट इन ब्लड एग्जामिनेशन एंड स्टूल एग्जामिनेशन सिग्मापी एंड कोलोनोस्कोपी और अगर कुछ कॉम्प्लीकेशन सस्पेक्टेड है तो फिर हमें एक्सरे चाहिए सीटी स्कैन चाहिए या एमआरआई जैसी इन, चाहिए। लेकिन अगर हम तीन कैटेगरी के, के इन्वेस्टिगेशन को ध्यान से देखें इनको आपकी बॉडी के ऊपर कंडक्ट करें तो अल्सरेटोकोलाइटिस को कंफर्म किया जा सकता है उसके कॉम्प्लिकेशंस को पहचाना जा सकता है इन अल्सरेटो कोलाइटिस के एक्सटेंट को पहचाना जा सकता है ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो स्ट्रीमलाइन किया जा सके अगर कोलाइटिस को डायग्नोसिस को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर थैंक यू वेरी मच